हेलो गाइस एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम, मैं सभी लोगों का वेलकम करता हूं वापस हमारे क्लास में। और इस क्लास में फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग 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 थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, अ बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू हु हैव एक्चुअली रिटन सो स्वीट मैसेजेस। इतने प्यारे प्यारे मैसेज देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सच बता रहा हूँ, आपका हर मैसेज हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट होता है। हर एक मैसेज हम पढ़ते हैं, सारी मैसेजेस हम पढ़ते हैं और उससे हमें बहुत ही अच्छा, जितने लोगों ने इवन पर्सनल मैसेज भी किया उन सभी लोगों को मैंने रिप्लाई किया है। कोशिश यही रही है कि सबको रिप्लाई करें। अब इसके साथ एक मैं आपको बस शुरुआत दो तीन पहले बात करना चाहता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आज के क्लास के लिए। सबसे पहली बात यह है कि देखो, हम आज आपको शायद पता हो, नंबर वन, अगर मान लीजिए आज की क्लास थोड़ी सी अगर ऊपर नीचे जाती है बिकॉज ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इश्यूज, तो प्लीज 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 डोंट गेट एट ऑल, इतना सही मायूस मत नहीं होना है। सेकेंडली, कुछ बच्चों का मैसेज ऐसा या थॉट प्रोसेस ऐसा आ रहा है कि जो नीट की जो डेट है, जो कि फिलहाल जुलाई की बताई गई है, अब वो नीट की डेट भी था तो पीछे चली जाए। देखो, जिस तरह से गवर्नमेंट का स्टैंड हो रहा है फिलहाल, और जैसे आपको पता है कि 26 जुलाई जो है वो डेट आई हुई है, तो बहुत लोग का ये सोचना है कि शायद नीट की डेट और पीछे चली जाए। देखो, गवर्नमेंट का स्टैंड आजकल जैसा आपको पता है कि जो चेंज हो रहा है, और वो चेंज इस तरह से हो रहा है कि सब कुछ को खोल दी जाए, मतलब इकोनॉमी बहुत अफेक्टेड हो रहा है ऑब्वियसली, और बहुत प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि जितने जल्दी से जल्दी पॉसिबल हो ये लॉकडाउन को फिनिश किया जाए। तो जैसे लॉकडाउन फिनिश होगा तो धीरे धीरे करके लोग काम पे आएंगे, एक हर्ड इम्यूनिटी, जो कि आपने शायद पढ़ा होगा माइक्रोबायोलॉजी कॉन्सेप्ट में, कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो सभी लोग ऑलमोस्ट लेके मोटा मोटी इम्यून हो जाएंगे इस इन्फेक्शन को लेके। तो दैट इज द इमीडिएट थॉट गोइंग ऑन इन द प्रोसेस ऑफ कि COVID-19 को कैसे अभी लड़ा जाए। तो बहुत ही कम चांस है, मतलब मुझे नहीं लगता कि 1% भी चांस अभी लग रहा है कि ये नीट जो और पीछे जाएगी। तो मेरा ये कहना इसलिए जरूरी है इस टाइम पे, बिकॉज आपको अपने प्रिपरेशन को लेके बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। आप ये देखो कि जो बच्चे आपसे थोड़ा सा पीछे रहे होंगे, ये 2 महीने उनको एक्स्ट्रा मिल गया, और मैं बता रहा हूं 2 महीने काफी होता है कोर्स को बहुत आगे कवर करने के लिए। तो नंबर वन, अपने आप का मोटिवेशन बिल्कुल कम नहीं करना है और मोटिवेट होकर पढ़ना है। नंबर टू, ये नहीं सोचना है कि नीट की डेट पीछे चली जाए। आप सभी लोगों के साथ हम लोग हैं, पूरी हमारी उड़ान 2.0 की टीम है। अमन है जो कि बड़े प्यारे भैया हैं आपके, सभी अमन हैं आपके साथ, डॉक्टर रजत हैं, पीयूष हैं, और मैं, हम ही सभी लोग हैं आपके साथ, और आपके इस सफर को बहुत ईजी करेंगे। जितना कैसे ईजी करेंगे, पढ़ के ईजी करेंगे, ठीक है। बेकार और फजूल की बातें नहीं करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कॉन्सेप्चुअली चीजों को लर्न करेंगे, अपना मोटिवेशन बहुत ही हाई रखेंगे, और उस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है।